देश का युवा भलीभांति जानता है, परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है, हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं, मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।